हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ राइडर के फ़ायदे की, राइडर की कमाई की और राइडर कैसे ज़्यादा कमाई कर सकता है। तो देखिए, कमाई की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो किस लाइन में ज़्यादा है कमाई, बाइक टैक्सी में या पार्सल डिलीवरी में, आप ही बताओ। पता है हमें आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मिश्रा जी पार्सल डिलीवरी में है ज़्यादा कमाई। जी हाँ, हम भी जानते हैं। और वो क्यों ज़्यादा कमाई है, क्योंकि भाई पार्सल डिलीवरी में राइडर को मिलते हैं 8 रुपये से ऊपर के रेट। साथ में आपको पता ही है पीछे पैसेंजर नहीं बैठा हुआ है, तो पैसेंजर ने कब हेलमेट उतार दिया और कब कैमरा बाबा ने फ़ोटो खींच ली और 1000 का चालान कट गया, इसकी टेंशन नहीं रहती है। साथ में कभी कभी आप जानते हैं कि कैसे कैसे कस्टमर मिल जाते हैं, और हम राइडर मजबूरी वासी कहीं हमारी आईडी ना बंद हो जाए इसलिए उनकी सुन लेते हैं और अपने मन में ही कोड़ते रहते हैं, अपने यार दोस्तों को बता देते हैं और शांत हो जाते हैं। तो इसलिए राइडर को ना सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, सबसे ज़्यादा पसंद है पार्सल डिलीवरी। लेकिन पार्सल डिलीवरी के अंदर भी ना एक दिक्कत है यार, काम नहीं है उस हिसाब से। अब जैसे पोर्टर के अंदर है, देखो बहुत घंटे लॉगिन रहना पड़ता है, क्योंकि पोर्टर ने एक सिस्टम बना दिया है अपना कि आपको पोर्टर के प्लेटफॉर्म पे इतने घंटे तो देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, उसके बाद जाकर कहीं आपको वो 10 सेकंड जो डिले लगाता है ना, वो उसके बाद हटता है कहीं। तो एक तरीके से ये कहें तो भाई पहले अपना वो टाइम पूरा करो, देन उसके बाद आपको ऑर्डर मिलने चालू होते हैं, और जब ऑर्डर मिलने चालू होते हैं तो आपकी कमाई भी अच्छी होती है। लेकिन कुछ भाइयों का यहाँ पर ये भी कहना है कि मिश्रा जी हमें डिले नहीं लगता है 10% का, उसके बावजूद ऑर्डर नहीं मिलते हैं, ये समस्या तो है। तो इसीलिए मजबूरी में राइडर क्या करते हैं कि बाइक टैक्सी भी करते हैं, पार्सल डिलीवरी भी करते हैं। अब इसी के अंदर एक कंपनी है भाई जो बाइक टैक्सी और पार्सल दोनों को जोड़ देती है, जिसका नाम है उबर। अब उबर क्या करती है कि आपको पार्सल भी देती है प्लस बाइक टैक्सी का भी काम देती है, तो उससे राइडर का काम चलता रहता है। और बहुत से ऐसे राइडर हैं जिनको इसीलिए उबर बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन एक दिक्कत है उबर के अंदर भी, आपको पता है कि नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, यहाँ पर रेट बहुत कम है। दिल्ली में रेट ठीक है, लेकिन इन जगहों पर चाहे बाइक टैक्सी हो या पार्सल डिलीवरी हो, सबके रेट बहुत कम है। तो आखिर इसका तोड़ क्या है, कोई ऐसी कंपनी क्यों नहीं आ जाती जो बाइक टैक्सी के अंदर भी पार्सल का रेट दे। तो आपको तो पता है कि ऐसी कंपनी आ नहीं जाती, आ चुकी है, ऑलरेडी काम कर रही है, जिसका नाम है ओला। जी हाँ, ओला आपको हमेशा पार्सल डिलीवरी, समझ गए ना, पार्सल डिलीवरी। जी हाँ, ओला के अंदर भी अब पार्सल डिलीवरी का काम चालू हो चुका है। जिस भाई ने भाई अपनी पार्सल डिलीवरी की सर्विस को ओला के ऐप में ऑन नहीं किया है, वो तुरंत ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता है कि ओला पैसेंजर के अंदर भी 9-9 रुपये, 9.5 रुपये, 10 रुपये का रेट अपने राइडर को दे रहा है। तो अगर यही रेट पकड़ के चलते हैं कि यही रेट अब वो पार्सल के अंदर भी देगा, तो भाई अच्छी कमाई हो जाएगी। और दूसरा सोने पे सुहागा तो ये हो जाएगा कि एक ही ऐप के अंदर आपको पार्सल डिलीवरी, आपको फूड डिलीवरी, आपको पैसेंजर छोड़ने की सुविधा, सब कुछ एक ही ऐप के अंदर मिल जाएगा। अब इस सुविधा को चालू कैसे करें, क्योंकि ये सुविधा चालू हो चुकी है और बहुत भाइयों को पता नहीं है। तो चलिए, इसके लिए हमने छोटा सा वीडियो बनाया है, जो आपको थोड़ा साइड में हो जाते हैं, जो आपको ये साइड में है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर करना क्या है, हम बता देते हैं आपको। जो बाइक का लोगो है इसके ऊपर टच करना है, टच करते के साथ साथ ही आपको 3 पॉइंट नज़र आएंगे। पहला पॉइंट वही बाइक टैक्सी का, दूसरा फूड डिलीवरी का, और तीसरा है पार्सल डिलीवरी का। जी हाँ, जहाँ लिखा है बाइक पैकेज, इस बाइक पैकेज के सामने वाले बटन को साइड में खिसका दो, देन ऊपर आप देख रहे हैं अप्लाई का एक बटन है, उसको ज़रूर दबा देना। दबाते के साथ ही आपके पास मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुल का, उसको कर देना ओके और आपका काम हो गया। चलो हम साइड में आ जाते हैं। अब भाई क्या होगा कि जो ओला का राइडर है ना, उसको पैसेंजर भी मिलेंगे 8 रुपये, 8.5 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये किलोमीटर के, उसको पार्सल का चांस भी मिलेगा कि वो पार्सल भी लेके जा सकता है वही बढ़िया वाले रेट के अंदर। उसको अगर फूड डिलीवरी करनी है तो वो फूड डिलीवरी भी ऑन कर सकता है इसी तरीके से जिस तरीके से पार्सल ऑन किया है। तो एक ही ऐप पर सारे काम हो जाएंगे, तो होगी ना अच्छी कमाई एक ही ऐप के ऊपर। हाँ, एक सवाल और आया था भाई, एक भाई ने हमसे कमेंट्स के अंदर पूछा था कि मिश्रा जी ये जो आपने पहले बताया करते थे कि सभी ऐप के ऊपर एक साथ काम करो और ऐसा करने से अच्छी कमाई होती है, इसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क, तो क्या ये अब लागू नहीं होता है।
तो हम आपको बताएं कि शायद हमें ऐसा लग रहा है कि कंपनियां नहीं चाह रही हैं कि आप कई सारे ऐप के ऊपर एक साथ काम करो, और ऐसा करने के लिए कि आप केवल उनके साथ काम करो, एक ही ऐप पे काम करो, इसके लिए कंपनियां नई नई स्कीम लेके आ रही हैं। और वो क्या स्कीम लेके आ रही हैं, क्या वो जुगाड़ लगा रही हैं, किस तरीके से आपको समझा रही हैं कि आप सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म पे काम करो, इसकी जानकारी हम आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए करना क्या होता है, वही भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, तभी तो आप देख पाएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो। चलिए अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म, और चलते चलते आपको कहते हैं जय हिंद, जय भारत।